वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो दोपहर का खाना मैंने खा लिया था और उसके बाद मैं सो गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैं उठा हूँ और मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आया। वो काम क्या है अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी आप लोग व्लॉग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। काम ये है जी कि ये जो कल इस्त्री आयरन में लेके आया था, ठीक है, ये वाली वो व्लॉग जिसने नहीं देखा तो वो जाके देख सकता है, ठीक है। तो इसका ये है वारंटी कार्ड, लेकिन यहाँ पे शॉप नेम होना चाहिए, मॉडल नंबर और डेट ऑफ परचेज के मैंने कौन सी तारीख पे लिया, सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये भाई ने नहीं लिखा। तो बस ये यहाँ से कट कर लेंगे और ये उनको ले जाएंगे, तो जो सारी डिटेल है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि विदाउट इसके तो अल्लाह ना करे कल को अगर ख़राब हो गई तो फिर तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वारंटी इसकी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो ये लेके जाते हैं और एक दूसरा काम है वो भी कर लेंगे। इसको कर लेते हैं कट। पूरी डब्बी ले जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे निशान भी दिया हुआ है कट का, ठीक है। तो बस सिर्फ ये ले जाएंगे और उनको दे देंगे, वो यहाँ पे सारी डिटेल लिख देंगे और फिर ये वापस ला के इसमें रख देंगे। ये है जिया कोड़ा हटक का महाजर बाजार। अब यहाँ पे अपने काम निपटाते हैं जिनके पीछे हम आए हैं। यहाँ पे देखिए सारे महाजर है, कितने अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और अफगानिस्तान में कितना बुरा हो रहा है। बस अल्लाह ही अमन लाए। और अभी यहाँ पे निपटाते अपने काम जिसके पीछे हम आए हैं। यहाँ ये बहुत बड़ा बाजार है और हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, हर चीज़ जी। यहाँ पे हमारा काम ये है कि ये मेरी वॉच है, ठीक है। एक तो इसमें सेल डलवाना है क्योंकि ये ना रुक गई है, इसका सेल ख़त्म हो गया है, और एक इसको थोड़ा सा छोटा करना है क्योंकि ये बहुत बड़ी है और मेरा हाथ ना पतला है, ठीक है जी। ये सामने शॉप है, यहाँ से ठीक करवाते हैं अभी। तो अभी बाबा जी लगे हुए हैं हमारी वॉच ठीक करने में। देखिए ये भी बहुत बारीकी वाला काम है, थोड़ा करीब से आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए सेल डलवा दिया है, अभी इसको छोटा करना है। देखिए किस तरीके से ये निकाल दिया जी, और ये देखिए भी वापस फिट कर लेंगे। एक मिनट के अंदर अंदर हमारा काम हो गया, देखिए ज़बरदस्त। तो वॉच हमारी ठीक हो गई 2 मिनट के अंदर अंदर। ये भी जी एक कारीगरी है, कमाल है, चल पड़ी है, ठीक है। लेकिन अभी टाइम मैंने सेट नहीं किया, टाइम इसका सेट करते और बाकी देखिए अभी थोड़ी सही हो गई। ये जी उस शॉप के अंदर मैं आ गया हूँ जहाँ से कल मैं आयरन लेके गया था। तो अभी जो काम था तो वो करवा लेते हैं यहाँ से। बड़ी लगी है और अकोड़ा हटक का फालूदा बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो यहाँ से फालूदा कर लेंगे और ये इम्पोर्टेंट काम हमारा हो गया। बिल भी भाई ने बना लिया, रात को वो लोग ना शॉप बंद कर रहे थे, ठीक है, जाने का टाइम था उनका, तो इसलिए स्पेशल फालूदा हमारा आ गया। देखिए माशाल्लाह, इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके खाएंगे। फिर मैं उज़ैर की तरफ आ गया था अपने काम वगैरह निपटा के, और अभी हमारे बिल्कुल सामने जो है वो है PTC फैक्ट्री पाकिस्तान टोबैको कंपनी, और यहाँ पे बस गपशप कर रहे हैं जी। रेलवे पुल है उसके पास हम लेटे हुए, थोड़ी देर बाद मैं चला जाऊँगा, लेकिन ये मंज़र और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है और सामने चांद एक पेड़ के पीछे बहुत ज़्यादा प्यारा नज़र आ रहा है, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जी हमारे सामने पाकिस्तान टोबैको कंपनी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे करके जाती है और बहुत लंबी फैक्ट्री है। किसी दिन इसका भी इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट करवाऊँगा इन फ्यूचर। और वो देखिए सामने चांद को पेड़ के पीछे, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है।
और बस अपने आज के व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पे है प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।